लिए अब हम जा रहे हैं तो पाने ने न्यू व्लॉग है वो आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ। एंड आज जो सबसे बड़ी खुशी की बात पता क्या है कि अपना कैमरामैन आ चुका है एंड हमारा कैमरामैन जो शूटिंग में लगा हुआ है और आज हमारा ट्रिप जो है ट्रिप छोटी मोटी शॉर्ट का ट्रिप है तो वो है गाइस अपनी पाने के लिए अब हम जा रहे हैं तो पाने लेने के लिए जो हमारा सफर है वो अब शुरू हो चुका है। बर्फ बहुत ज्यादा पड़ चुकी है और यहाँ पे इस टाइम की बात करूं तो बादल बहुत ज्यादा ओ भाई सब स्लिपरी जो है बहुत ज्यादा है तो बाकी तुम देख पा रहे होंगे कैमरामैन आपको बताया कैमरामैन इस टाइम बहुत ही दिक्कतों में सामना कर रहा है लेकिन ऐसा नहीं है भैया गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है तो स्लिप बहुत ज्यादा है ठीक है ओ भाई साहब। तो बाकी रही बात अपनी जनाब अपने आज पानी का मैं व्यू बता दूंगा कि जो आप जब मतलब बर्फ शर्फ पड़ती है तो तब हम पानी लेने के लिए कहाँ जाते हैं और कहाँ नहीं जाते ठीक है। तो फाइनली जो अब हम यहाँ पहुंच चुके हैं हमारा कैमरा मैन कंटिन्यू हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो ठीक है अगर माइक होता तो ज्यादा बेटर रहता और मैं बहुत ज्यादा दूर हूँ ठीक है कैमरा मैन से तो बहुत ज्यादा दूर रहना पड़ता है इसलिए थोड़ा एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा और लाउडली बोलना पड़ता है ठीक है। तो आते जाइए कैमरा मैन हम बताते हैं आपको अपने पानी का व्यू कम ऑन तो फाइनली गाइस हम यहाँ पहुंच चुके हैं और हमने अपनी जर्नी जस्ट अपने घर से स्टार्ट की थी और ये वाला एरिया तुम देख सकते हो अपना कैमरामैन जो है अभी पीछे आप कैमरामैन खुद पकड़ा हुआ है और ये रहा जी अपना कैमरामैन अभी बहुत ही तेजी के साथ और कैमरामैन गिर गया गाइस। तो फाइनली गाइस अब हम यहाँ पहुंच चुके हैं हमारा कैमरामैन जो है सडनली गिर गया था उसको थोड़ा उठाया मैंने सोचा भैया कैमरामैन की मतलब मदद नहीं करेंगे तो भैया काम ही आने वाली यही चीज है ये रेड टोपी आप देख रहे हो ना ये अपने कैमरामैन की ठीक है। तो अब हम यहाँ पहुंचे कैमरामैन अब थोड़ा ठीक है मैं बर्फ वगैरह वो थोड़ी यहाँ से पिघली ना तो उसमें कैमरामैन जो है सडनली गिर गया बाकी ये वाले एरिया तुम देख पा रहे होंगे। तो अभी जस्ट हमें पानी के ऊपर जाना है एंड एक घर यहाँ पे है बट यहाँ पे रहता कोई नहीं डोंट नो क्यों नहीं रहता। तो ये आप इसके पास एक ड्रम देख रहे होंगे इस ड्रम में आप पानी लेके जाना हमने लेकिन अब वापस के लिए अब दोबारा से एक शूट होगा बट पहले पानी भी तो पहुंचे ये रहा अपना कैमरामैन व्यू अभी का बहुत अच्छा आ रहा है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने पानी के ऊपर एंड ये रहा पानी अपने सामने ठीक है। तो ये हमारा कैमरामैन जिसमें आपको पानी के ऊपर वाला व्यू दे देता हूँ ये सामने की पहाड़ियां तुम देख पा रहे होंगे और सामने रहा हमारा कैमरामैन और हमारी अपना रहा जी अपना पानी ठीक है। तो यहां से गाइस हम कंटिन्यू जो है पानी लेके जाते हैं ठीक है यहाँ पे मतलब स्टे वगैरह करना कैमरामैन को बहुत गुस्सा है जिसने मेरा ड्रामी फेंक दिया रामी ने। तो ये रहा कैमरामैन हाई कर दो यार कैमरामैन। तो फाइनली ये पहुंचा ये हमारा पानी है और यहाँ से हम कंटिन्यू जो अपना पानी वगैरह वो लेके जाते हैं ठीक है। तो अभी जस्ट हम अपने ड्रम को लगाएंगे यहाँ पे और ये भरा जाएगा तो फिर उसके बाद जो है अपना पानी हम फिर यहाँ से लेके जाएंगे ठीक है। जब ले जाएंगे तो उसके लिए अलग से शूट होगा। तो फाइनली ये रहा हमारा कैमरामैन और तुम ये देख पा रहे होंगे यहाँ का पूरा व्यू ठीक है। ये रहा अपने गांव का व्यू अभी भी जस्ट बादल बहुत ज्यादा और बर्फ का फिर से दोबारा से मूड बन चुका है बरसने का। तो मिलते हैं जस्ट विद इन सेकंड आपको तब तक के लिए मैं अपना ड्रम भर लूं और मिलता हूं दूसरी नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस हम पानी पे आए थे एंड यहाँ पे बर्फ जो है अपनी शुरू हो चुकी है ठीक है। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये पानी जो है ये अपनी गाय वगैरह के लिए जब गाय पानी छानी पीने आती है तो वो जस्ट यहाँ से आके पानी पीती है ठीक है। बाकी बर्फ जो है कंटिन्यू पड़नी शुरू हो चुकी है ये रहा अपना कैमरामैन तुम देख पा रहे हो कैमरामैन के ऊपर बर्फ बहुत ज्यादा पड़ चुकी है और बर्फ जो है आप शुरू हो चुकी है ठीक है ये तुम देख पा रहे होंगे। बाकी रही आप पानी की बात तो अपना ड्रम जस्ट ऊपर वाला है ये पानी वो रहा जो मतलब जो हमारी गाय वगैरह पानी पीते ठीक है। बाकी मैं बताना चाहता हूँ कि ये रहा जी अपना पीने वाला पानी यहाँ से हम पानी ले जाते हैं और ये रहा अपना ड्रम को छोड़ा था यहाँ पे उसे बर्फ पड़ चुकी है बहुत ज्यादा जस्ट वेट फॉर अ सेकंड अब इसको हमने रखना है पानी के नीचे और मैं कैमरा अपने कैमरामैन को पकड़ाता हूँ कैमरामैन आप मेरा कैमरा पकड़ेंगे एंड जस्ट मैं उसके नीचे पानी डालूं। ओ भाई इसके ऊपर बर्फ बहुत ज्यादा पड़ चुकी है ये तुम देख पा रहे होंगे बहुत ज्यादा बर्फ ठीक है। अब बारी आ रही है इसको भरने की तो जस्ट ये विद इन सेकंड भरा जाएगा उसके बाद जनाब हम अपनी जर्नी जो है दोबारा से स्टार्ट करेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए पकड़ना पड़ेगा क्योंकि पता नहीं क्या इसको अनबैलेंस हो रही है ये गिरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं बट हो गया आ,
अभी गाइस बात करें तो सर्दी जो है बहुत ज्यादा हो रही है और ऊपर से हाथ जो अपने बहुत ज्यादा ठंडे हो गए, तो अब ये पानी थोड़ी देर के अंदर भरा जाएगा, फिर उसके बाद हमने जो है पिकअप करके इसको अपने घर तक ले जाना है। एंड वो वीडियो भी हम कंटिन्यू शूट करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। तो आपने क्या करना, वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट बनता है यार, प्लीज, इट्स माय हंबल। तो फाइनली गाइस जो हमारा ड्रम है फिलअप हो चुका है और अब बारी आ रही है इसको उठाने की। बर्फ जो है कंटिन्यू, आप थोड़ा बहुत फॉल जो है वो रुक चुकी है, तो अब हम कंटिन्यू करेंगे। आप मेरे को ये उठाना, तो जस्ट हम निकलेंगे आगे, तो तुम जस्ट वेट करो और हम इसको उठाते हैं के लिए। अब मेरा बोलना जो है इम्पॉसिबल होगा क्योंकि अपने ऊपर पानी है, एंड जस्ट अब मैं शूट ही करूंगा, ज्यादा बेटर रहेगा। बोल मैं नहीं सकूंगा क्योंकि ऑलरेडी वजन है यार, बोलूंगा नहीं मैं। तो आइए मेरे साथ हो जाए कैमरे में। गाइस मैं पहुंच चुका हूं यहां पे और सांस जो है बहुत ज्यादा चढ़ चुकी है क्योंकि पानी है अपने ऊपर और पानी उठाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। अब जस्ट ये अपना साथ ही में कर रहे हैं, मैं बोलूंगा नहीं, बैटरी का अपने घर ही पहुंच जाऊं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तो फाइनली गाइस मैं वापस आ चुका हूँ अपने घर, एंड मैंने जस्ट अभी पानी जो अपने घर के पास छोड़ा, अब बारी आती है रेस्ट लेने की। बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और अपने हाथ जो है बहुत ज्यादा ठंडे हो चुके हैं, तो अब बारी आती है लाइट की। लाइट जो है ऑलरेडी आई नहीं, तो लाइट के लिए हो सके दिक्कत आ जाए क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं। अगले बर्फ स्नोफॉल जो है कंटिन्यू हो रही है, ठीक है, कंटिन्यू हो रही है और कोई भरोसा नहीं कि भैया लाइट अब कब आए और कब ना आए, ठीक है, इस चीज की मैं कोई गारंटी नहीं देता। तो अब मैं लेता हूँ थोड़ा रेस्ट और मैं यही चाहता हूँ कि यार कीप सपोर्टिंग गाइस, अपना प्यार दिखाइए और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और मेरा ख्याल रखिए अपना भी और अपनी फैमिली का भी। मिलता हूँ किसी लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का।